इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे पता करें कि आपका फ़ोन हैक है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके जो फ़ोन कॉल्स हैं वो हैक हो रही है या नहीं हो रही है, आपका व्हाट्सएप हैक हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपके फ़ोन की फ़ोटोज़ हैक हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल बताने वाला हूँ, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन हैक है या नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके मोबाइल नंबर्स हैक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, डायलर में जाना है। डायलर में जाने के बाद यहाँ पे एक आपको टाइप करना होगा, नंबर डायल करना होगा, *#62#। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लोगे तो आपको कॉल कर देनी है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कॉल फॉरवर्डिंग वॉइस नॉट फॉरवर्डिंग, तो इससे ये पता चल जाएगा कि आपकी कॉल फॉरवर्ड हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आपकी कॉल फॉरवर्ड हो रही है तो आपको सिंपली करना क्या है, *#62# करके कॉल कर देनी है। जैसे ही आप इस नंबर पे कॉल कर दोगे तो आपकी जितनी भी कॉल्स फॉरवर्ड हो रही होगी वो कैंसिल हो जाएंगी, आपकी कॉल जो है फॉरवर्ड नहीं हो रही होंगी, वो थर्ड पार्टी बंदा कोई उसको सुन नहीं सकता। अब बात आती है व्हाट्सएप की, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। व्हाट्सएप में आपको सिंपली जाना होगा, व्हाट्सएप में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना होगा, 3 डॉट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो व्हाट्सएप वेब का, आपको सिंपली क्लिक करना है व्हाट्सएप वेब पर। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक स्कैनर खुल के आ चुका है। अगर ये स्कैनर आपका दोस्तों खुलता नहीं है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपका व्हाट्सएप हैक हो रहा है और उस डिवाइस का नाम भी आपके फ़ोन में शो हो जाएगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कैंसिल का, जैसे ही आप उस पर क्लिक कर लोगे तो कैंसिल होने से ये होगा कि आपका जो व्हाट्सएप हैक हो रहा होगा वो अनहैक हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपके फ़ोटोज़ और वीडियोस और कॉल रिकॉर्डिंग्स आपकी जो हैं हैक हो रही है या नहीं हो रही है। सिंपली आपको करना क्या है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सिंपली एक ऑप्शन मिलने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो गूगल का। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लोगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। तो आपको सिंपली करना क्या है, एक ऑप्शन मिलेगा आपको सिक्योरिटी का, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे, फाइंड माई डिवाइस और गूगल प्रोटेक्ट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्कैन का, आपको सिंपली स्कैन कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो नो प्रॉब्लम फाउंड, इसका मतलब हमारे फ़ोन में ऐसी कोई एप्लीकेशन है ही नहीं। अगर आपके फ़ोन में ऐसी कोई एप्लीकेशन होगी तो यहाँ पे एक शो हो जाएगा, आप उसको उसी टाइम अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ, आपको बैक जाना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको फाइंड माई डिवाइस का, इस पर सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर ये डिसेबल हो रहा होगा, आपको सिंपली इसको अनेबल कर लेना है। इसका मतलब ये है, अगर जैसे ही आप इसको अनेबल कर लेते हो तो फ्यूचर में अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है या आप कहीं भूल जाते हो तो आपको करना क्या होगा, किसी दूसरे फ़ोन में जाके या कंप्यूटर में जाके आपको सिंपली एक वेबसाइट का नाम सर्च करना पड़ेगा जिसका नाम है फाइंड माई डिवाइस। जैसे ही आपको एक वेबसाइट मिलेगी फाइंड माई डिवाइस के नाम से, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक कर लोगे तो आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड वो वाला डालना है जो कि उस फ़ोन में एक्टिवेट था यानी कि लॉगिन था। जैसे ही आप उस पर लॉगिन कर लोगे तो आपकी उसमें पता चल जाएगा कि लोकेशन कौन सी जगह पर आपका मोबाइल वर्क कर रहा है, आपके फ़ोन में कौन सी लोकेशन आ रही है, कौन से मोबाइल है, सारी चीज़ आप वहाँ से लोकेट कर पाओगे और अपने फ़ोन की सारी डिटेल भी निकाल पाओगे। तो बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ, आपको सिंपली जाना है, एक ऑप्शन मिलेगा आपको बैक जाना है, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एक डिवाइस कनेक्शन। जैसे आप इस पर क्लिक कर लोगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, आपको सिंपली क्लिक करना है कास्ट मीडिया कंट्रोल। जैसे आप इस पर क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये अनेबल हो रहा है, अगर ये अनेबल है तो ठीक है, अगर ये डिसेबल हो रखा है तो इसको प्लीज़ अनेबल ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हो, यू कैन प्रिवेंट अदर डिवाइसिस फ्रॉम कंट्रोलिंग मीडिया डेट्स स्ट्रीमिंग ऑन योर कास्ट डिवाइस, ओपन द गूगल होम ऐप देन गो टू सेटिंग एंड टर्न ऑफ शेयर कंट्रोल। जैसे ही आप इसको ऑफ कर दोगे तो ये होगा, अगर कोई बंदा हैक करने की कोशिश करेगा आपका फ़ोन वो आसानी से आपके फ़ोन में लॉग इन कर सकता है। तो ये थी दोस्तों आज की ट्रिक्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।